ये जॉर्जिया लेक और ये भी एक यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बोटिंग करते हैं, सामने बोटिंग पार्क और पिकनिक स्पॉट है ये सामने की। और ये ऑन द वे है सीता टेंपल, सीता एरिया उसके बीच में पड़ेगा इस लेक के बाद सीधे। ये रोड जो है ये रोड ये सीता एरिया ही जा रही है, सीता एरिया की रास्ता। डबल लेन रोड है, हाईवे है ये, और यहाँ से लगभग 3 या 4 किलोमीटर करीब है सीता एरिया, सीता माता का मंदिर। पहाड़ी क्षेत्र जो है सीढ़ी नुमा खेत, अपने भारत में भी ऐसे पहाड़ी इलाके जो हैं हिल एरिया उनमें इसी तरह की खेती की जाती है। देश का नाम अलग है तो कोई अंतर नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लग रहा है कि भारत और इसमें कोई अंतर है। ये हम पहुंच गए हैं सीता एरिया, सीता माँ के मंदिर में। ये वो जगह है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जब रावण सीता को लेके आए थे तो इसी जगह पर जो अशोक वाटिका में उनको रखा था, और इसी जगह पर हनुमान जी जो है सीता जी से जो मिले थे जब वो भारत से सीता जी को खोजने आए थे, राम ने उनको भेजा था। और ये हमारे पीछे वो यहीं पर वो मिले थे सीता से, और सीता जी ने जब उनको नहीं पहचान पाई थी तो उन्होंने जो वो रिंग लाए थे, अंगूठी लाए थे भगवान राम से, तो उसको दिखाया था, तब सीता जी उनको पहचान गई थी। और यही मंदिर है, देखें क्या गेट। अब अंदर चलते हैं और सब हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ जैसे दक्षिण भारतीय स्टाइल की मूर्तियाँ, छोटा सा मंदिर लेकिन सुंदर सुंदर लग रहा है मंदिर। श्री राम जयम, श्री राम जयम, चलते हैं अंदर। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है ना, जिसपे लिखा वेलकम टू अशोक वाटिका, सीता माता, सीता मंदिर, अशोक वनम, दिस इज द प्लेस वेयर सीता माता वाज लॉक्ड अप। सीता एरिया मीन्स द लाइट ऑफ सीता माता। दिस इज द प्लेस वेयर गॉड हनुमान फाउंड सीता माता। द रिवर बिहाइंड द टेम्पल, द प्लेस वेयर सीता माता हैड बाथ, द प्लेस वेयर गॉड रामाज एंड सीताज वेडिंग रिंग वॉज हैंडेड ओवर टू सीता माता अगेन। ये देखिए इस मूर्ति में भी, इस फोटो में भी सीता माता को देते हुए रिंग हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, ये है। और ये मेन मंदिर है, मुख्य मंदिर सीता माता का। इससे आगे जाना मना है, मैं इसे जहाँ तक ले जा पा रहा हूँ। ये बीच में श्री राम और उनके दाहिने हाथ
लक्ष्मण जी हैं और श्री राम जी के बाएं हाथ पे सीता माता जी की फोटो है, वो सॉरी मूर्ति है। और देखिए जैसे दक्षिण भारत में जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं काले पत्थर से, बिल्कुल उसी स्टाइल की मूर्तियाँ हैं। ये मुझे लग रहा है शायद हनुमान जी की मूर्ति है, किसकी है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये मूर्ति है, ये मंदिर है चारों तरफ। यहाँ पर भी उसी प्रकार की मूर्तियाँ, समझ भी नहीं आ रहा है, लेकिन पीछे निश्चित रूप से जो है उत्तर भारतीय मूर्तियों की संरचना, बीच में राम जी, एक तरफ लक्ष्मण जी और एक तरफ सीता जी, हनुमान जी भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरा राम दरबार। ये सामने हनुमान जी की फोटो लगा रखी है, लंका थगन, जिसको हिंदी में अनुवाद हुआ या हिंदी ही कहे लंका दहन, यहाँ पे इसको थगन लिखा हुआ, THAGAN थगन, लंका थगन। व्हाट इज दैट, दिस इज मेन टेंपल and seated that is okay। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं पुजारी जी हैं आप, तो वो बता रहे हैं कि ये जो ये मंदिर दिखाई दे रहा है ये मेन टेम्पल है सीता माता का, स्वयंभू। अच्छा, स्वयंभू ओके, अच्छा साइड बैक साइड ओके, अशोका ट्री, अशोका जो अशोका वाटिका, अशोका ट्री, हाँ होल आर अशोका वाटिका, बट दिस इज सीता टेम्पल, तो रावणा कैप्टन सीता ट्रेंको बाला ओके। तो ये जानकारी आप पुजारी जी ने दी, जो है रावण का प्लेस यहाँ से ट्रिंको माले में है, जो 350 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और ये सीता जी का मूल मंदिर है, एक तरफ ऊपर भी उत्तर भारतीय स्टाइल की मूर्तियाँ, नीचे दक्षिण भारतीय स्टाइल की मूर्तियाँ। और गणपति बप्पा मोरिया, ये गणपति जी की का मंदिर, गणपति जी सभी जगह एक से दिखते हैं, लेकिन सब काले पत्थर की मूर्तियां हैं यहां पर। और भी बहुत से देवी देवताओं की देखें इसके ऊपर मूर्तियां बनी हैं शिखर तक। ये भी एक
ऊपर सरस्वती जी, काफ़ी देवी देवता की मूर्तियां हैं। ये नदी बहती हुई छोटी सी, राम दरबार। ये कृष्ण जी की, हनुमान जी की हाथ जोड़ी हुई मुद्रा में, नमन मुद्रा में जो है मंदिर की तरफ वारा है। ये देव नहीं समझ में आ रहे हैं मेरे। अच्छा, द्वार पे भी वो, ये हनुमान जी का मंदिर है। द्वार पे भी दो मूर्तियां हनुमान जी की, और आप देखें अंदर भी हनुमान जी की मूर्ति सामने में काले पत्थर से, और इस तरफ जो है मुझे लग रहा पीतल की मूर्ति है हनुमान जी की। चारों तरफ का नजारा, ये है, ये वो जगह है नदी के उधर। सीता जी जैसा पुजारी जी ने बताया कि इसी जगह पे स्नान करते थे, और ये वो जगह है जहाँ पर हनुमान जी ने उनको रिंग दी थी। चलिए नीचे चलते हैं। ये पुजारी जी बता रहे थे कि जो है चरण के मतलब पैरों के निशान, जैसा पुजारी जी बता रहे थे। और ये वो जगह सामने वहाँ पे मंदिर बना दिया गया है। अशोक वाटिका, जो हॉस्टल नेशनल पार्क हो गया है इस समय, उसको यहाँ पर अशोक वाटिका के नाम से बहुत कम लोग, बल्कि मैंने चित्रों से भी पूछा वो लोग नहीं बता पा रहे थे। तो बॉटनिकल पार्क या बॉटनिकल गार्डन, हॉस्टल बॉटनिकल गार्डन अब इधर ही चल रहे हैं।
ये सामने हकगला, हकगला बोटनिकल गार्डन, इसी को अपने भारत में अशोक वाटिका कहते हैं। और अब ये हकगला बोटनिकल गार्डन हो गया यहाँ पर, और इसी का पार्ट उधर था जहाँ पे अभी सीतालिया है। मैं इसमें अंदर नहीं जाऊंगा, बॉटनिकल गार्डन है, क्योंकि ये सब टाइम कंज्यूमिंग एरियाज हैं। और अब एक नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो व्यक्ति काम कर ले फिर वो बॉटनिकल गार्डन में उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये तो आप ही लोग डिसाइड करें। और लेकिन जो नज़ारा देख रहा है, अब वापस जाने का है, और भी दो एक जगह और हैं, एक आध वाटरफॉल हैं, वहाँ जाऊँगा, इसलिए इसको नहीं, क्योंकि गार्डन है और हिली उस पर इन्होंने गार्डन बना रखा है, तो निश्चित रूप से चलना बहुत पड़ेगा, पेड़ पौधों का होंगे, बस वो आप देखते रहिए। अच्छा, अब देखिए 2000 रुपये श्रीलंकन, जो कि 800 रुपये हो जाएंगे इंडिया के, वो उतना मैं इसमें वेस्ट, हमको इस समय वेस्ट तो नहीं कहें, लेकिन एक तो टाइम नहीं और अकेले भी जाके उसमें, और श्रीलंका के लोगों के लिए 100 रुपया।